तो बच्चों मैं यहाँ पे आप सभी के लिए देख सकते हैं कि 8वीं कक्षा का यानी एक से लेके जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, एक से लेके 8वीं तक का जो 12 अक्टूबर से शेड्यूल आया है, यानी 12 तारीख से आपका स्टार्टअप होगा, ठीक है। एक से लेकर 8वीं तक का फर्स्ट पाली और द्वितीय पाली में उन सभी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कैसा आपका एग्ज़ाम होगा, प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा, ठीक है, और आप एग्ज़ाम वगैरह में नहीं जाते देने के लिए तो आपको क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो तक देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आप देखिए, सबसे पहली बात है कि ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। क्या होगा? आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यह अर्धवार्षिक परीक्षा में होता क्या है कि आपके आधा सिलेबस का, ठीक है, एक साल में जो आपने 6 माह में पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने पढ़ा है मैथ पढ़ा, ठीक है, यानी गणित। गणित में आपका टोटल चैप्टर है 16, 16 चैप्टर है जिसमें से मात्र आधा चैप्टर में किया जाएगा 8, है ना। 16 का आधा क्या होगा 8, तो 8 चैप्टर के ही बारे में यानी 8 चैप्टर से ही सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब होता है आधा, ठीक है। और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा इसलिए लिया जाता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं, उन सभी के बारे में होता है, ठीक है। और अगर आप वीक है तो इससे मालूम होगा कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, और आप कि स्ट्रॉन्गनेस तैयारी है तो आपको और आगे बढ़ाने का हौसला मिलेगा, यानी और भी हौसला लोग बढ़ाएंगे और आप लोग का हौसला भी बढ़ेगा कि हाँ मैंने जो तैयारी की है उसके हिसाब से सारा का सारा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा। और बात किया क्वेश्चन वगैरह की, पीडीएफ वगैरह की, तो सब चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको सभी चीज़ें लेने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल पे जुड़े और हमारा जो वीडियो है देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम में क्वेश्चन वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन उससे भी जरूरी बात है, आपको देखिए और भी अधिक जानकारी चाहिए अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन वगैरह आप किस तरीके से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप टेलीग्राम से तो मिलेगा ही, लेकिन आपको हमारे वेबसाइट से सारा का सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो क्वेश्चन वगैरह आप लेना चाहते हैं वाकई में ओरिजिनल वगैरह जो भी चीज़ आपका एग्जाम होने वाला है तो सारा चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपका टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। याद रखिए, सिर्फ टेस्ट के लिए होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं फटाफट बोल रहा हूँ तो मेरा जबान वगैरह भी लड़खड़ा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इन सभी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूँ किस तरीके से आप लोग का काफ़ी ज़्यादा सवाल भी होगा, सर मैं एग्ज़ाम दूँगा, अगर नहीं दूँगा तो क्या होगा, मुझे फेल कर दिया जाएगा, अगर इस एग्ज़ाम से फ़ायदा क्या होने वाला, अगर मैं दूंगा तो, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो चलिए सभी जानकारी हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपका होगा क्रोम ब्राउज़र उसको ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च वाले बार पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टाइप करना है pointofstudy.com, ठीक है, point of space नहीं देना, ठीक है, pointofstudy.com, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। लिखने के बाद आपका सर्च बार वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। अगर नहीं यहाँ पे इस तरह टाइप का आ रहा है तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला होगा पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, या डायरेक्ट खुल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, खुल जाएगा। इसका डायरेक्ट आपको करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा 1 से 8वीं अनुवासिक वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको खुल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो क्या होगा, नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है, परीक्षा में फेल हो जाएगा या पास हो जाइएगा, ये सारा चीज़ है, एमई कार्ड आएगा कि नहीं, प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा, इन सारे चीज़ों पर यहाँ पर बात किया गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड एग्जाम रूटीन भी है, यहाँ पर सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग सारा का सारा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़े, यहाँ पर सारा चीज़ बारीकी से यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग समझ सकते हैं सारी बातों को, ठीक है। और वगैरह होगा तो सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।